नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया और भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा की नजदीकियों से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। सिद्धरमैया अगले महीने 3 तारीख को 75 साल के हो रहे हैं। इस मौके पर दावणगेरे जिले में समर्थक सिद्धरमैया उत्सव करने जा रहे हैं, जिसमें कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा शिरकत करेंगे। दरअसल 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से येदियुरप्पा पार्टी के शीर्ष नेताओं से खफा हैं। वे चाहते थे कि कोई गैर लिंगायत नेता उनका उत्तराधिकारी बने, ताकि लिंगायत वोट बैंक उनके पक्ष में बना रहे। पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। ये भी चाहते थे कि उनके बेटे जीवाई विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने विजेंद्र को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 2023 के चुनाव लड़ने के संकेत दिए। येदियुरप्पा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2013 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तब भाजपा 40 सीट पर सिमट गई थी। 2 महीने पहले ही कर्नाटक कांग्रेस की सेकेंड लीडरशिप ने सिद्धरमैया और कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार में सुलह कराई थी, लेकिन अब फिर दोनों नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई के संकेत दिख रहे हैं। सिद्धरमैया जहां सिद्धरमैया उत्सव करने जा रहे हैं, वहीं शिवकुमार ने 15 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसमें 10 लाख से अधिक लोगों के जुटने की बात कही है। 12 दिन के अंतराल में होने वाले दोनों कार्यक्रमों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता भेजा है। तिरंगा यात्रा की घोषणा के बाद शिवकुमार ने सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जन नेतृत्व में विश्वास करती है, ना कि विशेष पूजा में। उनका इशारा सिद्धरमैया को कर्नाटक कांग्रेस का एकमात्र नेता बताए जाने को लेकर था। कयास है कि विरोधियों को नहीं निकाला गया तो वे जेडीएस में शामिल हो सकते हैं। अभी तक दलित और वोकलिगा प्रभाव वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस जेडीएस आमने सामने रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस के 2 शक्तिशाली पूर्व विधायकों को अपनी तरफ किया है, जबकि जेडीएस का यहां पहले से दबदबा रहा है। यह कांग्रेस के लिए समस्या का कारण बन सकता है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। धन्यवाद।